सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 67 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए हैं, ये ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से, जिसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं इतिहास के पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति की। तो आज की ये वर्कशीट, पहले ही आपको बता दूँ, थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन्हीं प्रश्नों की पुनरावृत्ति कर लेंगे तो आप पूरे पाठ की पुनरावृत्ति कर लेंगे। यानी इतने क्वेश्चंस हैं इसमें कि आप केवल इन्हीं कर लेंगे तो पेपर में आपकी इस लेसन की तैयारी तो आराम से हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, और ये सारे 3 और 5 अंकों के प्रश्न हैं इसलिए इनके उत्तर मैंने उसी हिसाब से लिखे हैं, 3 या तो 3 वाक्य लिखे हैं उसमें या 5 वाक्य लिखे हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है कि समाजवादी विचार क्या थे। तो देखिए, समाजवाद संपत्ति पर निजी स्वामित्व का विरोधी है, यानी वो निजी संपत्ति को नहीं मानता। इसके अनुसार संपत्ति की निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। ये इस बात पर विचार को प्रस्तावित भी करता है कि उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, यानी जितने भी उत्पादन के साधन हैं ना उनको सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। ये श्रमिकों के बीच सहयोग को भी प्रोत्साहित करता है। ये मानता है कि श्रमिकों में अगर एकता होगी तो ये समाजवाद के लिए बहुत ही बड़ी जो है एक बढ़िया चीज़ है। फिर दूसरा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में 2 भिन्न समूह में कौन कौन से देश शामिल थे। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र 2 खेमों में बट गई थी, यानी 2 ग्रुप्स में बट गई थी। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देशों ने भी किया। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस थे। तो अब समझ में आई आपको कि 2 समूह कौन कौन से थे, एक तो मित्र राष्ट्र थे और एक धुरी राष्ट्र थे। फिर तीसरा प्रश्न, उदारवादी कौन थे, उदारवादी निजी संपत्ति के बारे में क्या विचार रखते थे। तो देखिए, उदारवादी विचारधारा के लोग वे लोग थे जो देश में धार्मिक समानता और नागरिक अधिकारों को चाहते थे। ये प्रतिनिधित्व पर आधारित तो निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे, और ये उदारवादी जो थे वो निजी संपत्ति के पक्ष में भी थे। यानी ये ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि देश में निर्वाचित सरकार हो और निजी संपत्ति हो, सबका निजी संपत्ति पर अपना अपना अधिकार हो। ये नहीं चाहते थे समाजवादियों की तरह कि उस पर पूरा जो है देश का नियंत्रण और सरकार का नियंत्रण हो। फिर चौथा प्रश्न है, रूसी समाज में मीर कौन थे। रूसी इतिहास में किसान परिवारों का एक स्वशासन समुदाय है। स्वशासन का मतलब जो अपना शासन खुद चलाते हैं, जिन्होंने अपने अधिकारों को खुद चुना और स्थानीय जंगलों, मत्स्य पालन, शिकार के मैदान और खाली ज़मीनों को नियंत्रित किया, यानी उन्होंने इस पर अपना कब्जा किया इन चीज़ों पर, और अपने आप से अपना काम वो कर रहे थे, अपने अधिकारियों को उन सबको वो उन्होंने खुद चुना और वो अपना शासन खुद चलाते थे। फिर है प्रश्न 5, रूसी क्रांति से संबंधित खूनी रविवार की घटना का वर्णन कीजिए, इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, अशांत समय के दौरान जब परिवर्तन की मांग की गई थी तो श्रमिकों का एक जुलूस जार के शीतकालीन महल में पहुंचा। जुलूस पर पुलिस द्वारा हमला किया गया, 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्रांति के दबाव में जार ने एक निर्वाचित संसद ड्यूमा के निर्माण की अनुमति दे दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में आता ही आता है। फिर प्रश्न नंबर 6, कार्ल मार्क्स के समाजवाद के बारे में क्या विचार थे। तो देखिए, कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज होता है। मार्क्स का मानना था कि जब तक निजी उद्योगपतियों द्वारा अर्जित लाभ का फायदा लिया जाता रहेगा तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सकता। इसलिए मजदूरों को पूंजीपतियों तथा निजी संपत्ति के शासन को उखाड़ ही फेंकना चाहिए। मार्क्स का ये भी मानना था कि पूंजीपतियों के शोषण से मुक्ति के लिए मजदूरों को एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिसमें सभी संपत्तियों पर समाज का नियंत्रण हो।
फिर है प्रश्न नंबर 7, उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यानी उदारवादी गणतंत्र मतलब होता है कि जैसे वो लोकतंत्र में, आगे हम पढ़ेंगे, लोकतंत्र को तो मानते थे लेकिन और क्या नहीं चाहते थे वो। उदारवादी देश में सभी धर्मों की बराबरी तथा नागरिक अधिकारों को लाना चाहते थे। वे प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के भी पक्ष में थे, यानी जिनको जनता चुनती है, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं महिलाओं की भूमिका के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट देने का अधिकार केवल संपत्ति वाले लोगों को ही मिलना चाहिए। यानी वो निर्वाचित सरकार के पक्ष में तो थे लेकिन लोगों को, सभी लोगों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था? ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस में स्टालिन द्वारा सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। 1929 में सभी किसानों को सामूहिक खेतों यानी कोल खोज, जिन्हें कोल खोज कहते थे, सामूहिक खेतों को, यानी 1929 में सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी किया गया। ज़्यादातर ज़मीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंपे गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर ही काम करते थे। कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस तरह से ये सामूहिकीकरण कार्यक्रम चलाया गया और इसे स्टालिन ने शुरू किया था। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बोल्शेविक कौन थे और वह मेंशेविक से किस प्रकार भिन्न थे? तो देखिए, बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच क्या अंतर था? जो मेंशेविक थे वो समाज के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का एक समूह था, जिन्होंने सिखाया कि पार्टी सभी के लिए खुली होनी चाहिए। वे क्रांति में विश्वास नहीं करते थे लेकिन लोकतांत्रिक माध्यमों से बदलाव भी लाना चाहते थे। लेकिन बोल्शेविक जो थे वो व्लादिमीर लेनिन की अगुवाई वाला एक बहुसंख्यक समूह था। बोल्शेविकों ने बहुसंख्यक समाजवादियों का प्रतिनिधित्व किया जो क्रांति चाहते थे, यानी वे रूसी क्रांति का संचालन करने वाले समूह थे। तो उन दोनों के बीच में ये अंतर था। फिर है प्रश्न नंबर 10, ज़ार के शासन के आम लोगों के बीच लोकप्रिय ना होने के क्या कारण थे? यानी ज़ार का शासन जनता नहीं चाहती थी, ज़ार लोकप्रिय नहीं था लोगों के बीच, आखिर उसके क्या कारण थे? तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण थे, मैंने उसको बहुत शॉर्ट में लिखा है। जैसे निरंकुश राजशाही, उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं था, वो अपनी मर्जी से राज अपना चलाता था प्रशासन। लोगों के प्रति असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, लोगों के प्रति उसका जो व्यवहार था वो कैसा था? असहानुभूतिपूर्ण। प्रशासन व्यवस्था में उसके भ्रष्टाचार थी, जिससे आम लोगों से वो बहुत दूर होता चला जा रहा था, यानी उसके और जनता के बीच में संबंध बहुत कम थे। ज़ार निकोलस द्वारा रूस को प्रथम विश्व युद्ध में धकेलना, तो देखिए, उसके कारण ही उसने जो है विश्व युद्ध में जो है पार्ट लिया, ज़ार निकोलस ने, और रूस में आर्थिक समस्याओं का पैदा होना। फिर क्या हुआ, हर जगह जो है अनाज की कमी हो गई, बहुत ज़्यादा नुकसान होने शुरू हो गए, सेना का असंतुष्ट होना, क्योंकि सेना तो ट्रेन तो थी नहीं और उसको जो है लड़वा दिया उसने, तो बहुत ज़्यादा जान माल की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसलिए सेना भी असंतुष्ट थी। जान माल का भयंकर नुकसान हुआ और ड्यूमा की बर्खास्तगी, यानी जो उसने ड्यूमा बनाई भी थी उनको वो बार बार बर्खास्त करता गया, उनको कोई पावर उसने दी नहीं थी। फिर ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर करें। लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, स्पष्ट कीजिए। देखिए, अप्रैल 1917 में बोल्शेविक नेता लेनिन रूस में अपने निर्वासन से लौटे थे। उन्होंने 3 मांगे प्रस्तुत की, जिन्हें लेनिन की अप्रैल थीसिस के रूप में जाना जाता है। वो 3 मांगे क्या थी? पहला, युद्ध यानी जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए कहा गया उसको समाप्त किया जाना चाहिए। फिर भूमि किसानों को हस्तांतरित की जानी चाहिए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। फिर ये 5 अंकों का प्रश्न है, 1905 की रूसी क्रांति ने 1917 की अक्टूबर क्रांति का आधार तैयार किया, यानी उसका बेस तैयार किया, इस कथन की न्यायसंगत व्याख्या कीजिए। तो देखिए, खूनी रविवार एक ऐसी घटना थी जिसने रूस में 1905 की क्रांति को बल दिया, यानी उसको सपोर्ट किया, जिसके कारण वो हुई, यानी इसके बाद ही 1905 की क्रांति हुई। परंतु इसके बाद 1905 की असफल क्रांति के बाद बनी ड्यूमा से सरकार की खींचतान और विवाद होता ही रहता था, इससे ड्यूमा और सरकार दोनों कमज़ोर हो गए। 1912 में चौथी ड्यूमा के समय प्रथम विश्व युद्ध रूस
प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हुआ, जहां रूस की असफलता ने धीरे धीरे सेना पर भी इनका नियंत्रण कम हो गया। तो रूस हार रहा था तो धीरे धीरे सेना पर भी नियंत्रण कम होता चला गया। धीरे धीरे जार के प्रति लोगों में गुस्सा और आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था और मार्च 1917 में पेत्रोग्राद की जनता अनियंत्रित होकर लूटपाट करने लग गई, जिस पर सेना ने भी गोली चलाने से इनकार कर दिया। ऐसे माहौल में कामगार पार्टी के जो बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार यह बात बिल्कुल सही है कि 1905 की रूसी क्रांति ने 1917 की अक्टूबर क्रांति का आधार तैयार किया। फिर है प्रश्न नंबर 13, 19वीं सदी के दौरान यूरोप में कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए, औद्योगिक विकास का इसमें क्या योगदान था। तो देखिए 19वीं शताब्दी में यूरोप में बड़ी मात्रा में सामाजिक परिवर्तन देखा गया, जैसे दासता को समाप्त कर दिया गया यानी दास प्रथा को, औद्योगिक क्रांति हुई जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ और औद्योगीकरण हुआ, एक नए वर्ग मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। मजदूरों की हालत बहुत दयनीय होती थी क्योंकि उन्हें कम मजदूरी पर बहुत देर तक काम करवाया जाता था। फिर 14वां प्रश्न है कि रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए, कि रूस की क्रांति के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो उत्तरदायी थी यानी रिस्पॉन्सिबल थी। रूस में ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, कार्य स्थिति बहुत खराब थी, औद्योगिक मजदूरों का शोषण हो रहा था, औद्योगिक मजदूरों के समान ही किसानों की भी स्थिति बहुत दयनीय थी। ज़ार निकोलस जनता पर बहुत कम ध्यान देता था। ज़ार निकोलस टू ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध में धकेल दिया। फिर कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव और मजदूरों के संगठन ने भी रूसी क्रांति के लिए आधार बनाया। फिर प्रश्न नंबर 15 है, रूस क्रांति के क्या क्या वैश्विक प्रभाव पड़े यानी विश्व पर रूस क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। तो देखिए मेहनतकशों द्वारा राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी, यानी दुनिया के लोगों को लगा कि जब वो मेहनतकश लोग यानी मजदूर वर्ग इकट्ठा होकर वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर सकते हैं तो दुनिया के दूसरे देशों में क्यों नहीं। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। 1924 में भारत में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी। समाजवाद को विश्व स्तर पर लोकप्रियता मिली। कुछ लोगों ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट से शिक्षा भी ग्रहण की। फिर प्रश्न नंबर 16, रूस क्रांति में लेनिन का क्या योगदान रहा। तो देखिए क्या योगदान रहा लेनिन का। लेनिन एक समाजवादी एवं रूसी बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। अप्रैल 1917 में जो लेनिन थे वो निर्वासन के पश्चात रूस लौट आए। उनका मानना था कि सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेत्रोग्राद सोवियत एवं बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया और इसके बाद विंटर पैलेस पर भी कब्जा कर लिया गया। अंततः बोल्शेविकों ने इस क्रांति के माध्यम से मॉस्को पेत्रोग्राद क्षेत्र पर दिसंबर माह में कब्जा कर लिया। तो इस तरह से लेनिन का इस क्रांति में बहुत योगदान रहा। फिर है प्रश्न नंबर 17, रूसी क्रांति ने रूसी समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, क्रांति के उपरांत देश में गृह युद्ध के हालात क्यों बन गए। तो देखिए इसका उत्तर है कि रूसी क्रांति की सफलता और बोल्शेविक सरकार की लोकप्रियता से पश्चिमी देश भयभीत थे। प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाने पर यहाँ पर युद्ध आएगा, प्रथम विश्व युद्ध आप ऐसे लिख लें, यहाँ पर कई बार मिसिंग हो जाता है वो। प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाने के कारण उसकी पुरानी मित्र शक्तियां उसके खिलाफ हो गई थीं। रूस में गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। इन सभी नेताओं ने बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित कर लीं। फिर बोल्शेविक सेना भी कमज़ोर हो चुकी थी क्योंकि ज़्यादातर सिपाही किसान थे और भूमि के पुनर्वितरण हेतु वापस अपने घर को लौट चुके थे। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 18, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। तो देखिए अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों द्वारा किए गए कई बदलाव जो थे वो निम्नलिखित हैं। अधिकतर उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया,
यानी भूमि अब किसी की निजी संपत्ति नहीं होगी बल्कि सामाजिक संपत्ति होगी, उस पर देश का अधिकार होगा। शहरों में बड़े घरों के परिवार की आवश्यकता के अनुसार उसके हिस्से कर दिए गए। पुराने अभिजातीय वर्ग की पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई, यानी जो पहले वो लोग अपनी पदवियां यूज़ करते थे उन पर रोक लगा दी गई। परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविकों ने सेना एवं कर्मचारियों की नई वर्दियाँ भी पेश की। फिर है प्रश्न नंबर 19, रूस में 1917 की फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के बीच तुलना कीजिए। तो देखिए 1917 की क्रांति जो रूसी क्रांति थी वो दो चरणों यानी फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति में बंटी हुई थी। फरवरी क्रांति से जहां रूस में जार का शासन का अंत हुआ, वहीं बोल्शेविक के नेतृत्व में अक्टूबर क्रांति से दुनिया में पहले मार्क्सवादी राज्य की स्थापना हुई जिसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था। फिर दूसरा जो अंतर है वो है कि इसे सीधे शब्दों में कहें तो फरवरी क्रांति तो एक उदारवादी क्रांति थी जबकि अक्टूबर क्रांति एक समाजवादी क्रांति थी। और तीसरा अंतर है कि फरवरी क्रांति एक व्यापक आधार वाली क्रांति थी, यह अक्टूबर क्रांति के बारे में नहीं कहा जा सकता क्योंकि सोवियत प्रचार के विपरीत अक्टूबर क्रांति के समर्थन का कोई व्यापक आधार नहीं था। और फिर अंत में 20वां और आखिरी प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार पूर्वक लिखिए। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना बुरी तरह हार गई। 1914 से 1917 के बीच युद्ध में खेती और उद्योगों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। मजदूरों की कमी हो गई, सेना को खिलाने के लिए अनाज की बड़ी आपूर्ति भेजी जाती थी जिससे आम लोगों के लिए अनाज की भारी कमी हो गई। सैनिक भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, अब सैनिक भी क्रांतिकारियों का साथ देने लगे, तो ये रूस पर प्रभाव पड़ा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको COVID-19 यानी कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क तो ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।